हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज का हमारा टॉपिक यूटिलिटी एनालिसिस, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यूटिलिटी क्या होती है, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यूटिलिटी की क्या डेफिनेशन होती है कि कोई भी कमोडिटी जिसका कंज्यूमर यूज़ करता है और यूज़ करने से उसकी जो भी वांट्स होती हैं वो क्या होती हैं, सेटिस्फाई होती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, यूटिलिटी। तो यूटिलिटी का मतलब क्या हो गया, वांट्स सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, या यूटिलिटी रिफर्स टू द क्वालिटी और पावर ऑफ अ कमोडिटी और सर्विस दैट सेटिस्फाई ए ह्यूमन वांट्स। ठीक है, लोगों की जो भी वांट्स होती हैं उनको सेटिस्फाई करने की पावर को हम क्या कहते हैं, यूटिलिटी कहते हैं। जैसे कि भूख लग रही है तो हम क्या करेंगे, खाना खाएंगे, और खाना खाने से क्या होगा, हमारी जो वांट है वो सेटिस्फाई होती हैं, तो खाना हमारे लिए एक तरह से क्या हो गया, उसमें क्या हो गई है, यूटिलिटी। अब देखिए यूटिलिटी जो होती हैं उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट होती है हमारी टोटल यूटिलिटी और दूसरी होती है मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल का मतलब क्या हो गया कि कोई भी कंज्यूमर किसी कमोडिटी की जितनी भी क्वांटिटी यूज़ कर रहा है उन सब से उसको जो भी यूटिलिटी मिलती है उन सब का सम टोटल। ठीक है, द सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डेरिड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ ऑल द यूनिट ऑफ ए कमोडिटी, या हम कह सकते हैं इट इज़ द अमाउंट और सम ऑफ ऑल द यूटिलिटी डेरिड फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड। जितनी भी क्वांटिटी कंज्यूम की गई हैं किसी कमोडिटी की उन सभी यूनिट से जो यूटिलिटी मिलती हैं उसको हम कहते हैं टोटल यूटिलिटी। अगर कंज्यूमर को भूख लग रही है, वो खाना खाता है, पांच रोटी खाता है, तो टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या हो गया, पांचों रोटी खाने से उसको कितनी यूटिलिटी मिल रही है, उन सब का हम सम कर लेंगे, टोटल कर लेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास में, टोटल यूटिलिटी। इसको हम ऐसे ले सकते हैं, टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू सिग्मा एम यू। जो मार्जिनल यूटिलिटी होती हैं उनको हम अगर ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, टोटल यूटिलिटी। तो दूसरा अब हम देखते हैं कि मार्जिनल क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। तो मार्जिनल का मतलब क्या होता है कि जब कंज्यूमर क्या करता है, किसी कमोडिटी की एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करता है, तो उस एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से टोटल यूटिलिटी में जितना भी चेंजेस आता है, टोटल यूटिलिटी में जो चेंज होगा उसको हम क्या कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। द एडिशन और चेंज इन टोटल यूटिलिटी रिजल्टिंग फ्रॉम वन यूनिट चेंज इन द कंजप्शन ऑफ ए गुड। किसी कम्युनिटी की एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से टोटल यूटिलिटी में जितना भी चेंज आएगा उसको हम क्या कहेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे कंज्यूमर किसी कमोडिटी की 10 यूनिट यूज़ करता है, 10 यूनिट से उसको यूटिलिटी कितनी मिलती है, 100 के इक्वल। और अगर वो इसकी एक एडिशनल यूनिट, माना कि हम एज्यूम कर लेते हैं 11th यूनिट अगर वो यूज़ करता है और उससे उसकी यूटिलिटी कितनी हो गई, 110। तो यहाँ देखते हैं कि वन एडिशनल यूनिट से टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज आया है, पहले कितनी थी 100 और अब कितनी हो गई है, 110। तो यहाँ पर जो चेंज आया है वो कितना आया है, 10। तो इस 10 को हम क्या कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। अब देखिए मार्जिनल यूटिलिटी को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसके दो फॉर्मूले हो सकते हैं, एम यू इक्वल टू टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन हो सकता है। nth यूनिट पर टोटल यूटिलिटी कितनी है उसमें से हम माइनस कर देंगे उससे पहले वाले यूनिट की टोटल यूटिलिटी कितनी है, टी यू एन माइनस वन, मतलब पहले वाले की, दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। या दूसरा फॉर्मूला होता है हमारा, एम यू इक्वल टू डेल्टा टी यू, टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज हुआ अपॉन डेल्टा क्यू, क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ है किसी कमोडिटी की। अब देखिए इसको हम इस टेबल से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि कंज्यूमर क्या करता है, जैसे जैसे किसी कमोडिटी का कंजप्शन अगर इंक्रीज करता है, बढ़ाता जाता है, तो उसकी यूटिलिटी जो है, मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा क्या होती है, डिक्रीज होती है, हमेशा कम होती है। तो मार्जिनल यूटिलिटी में हमने कुछ भी नंबर एज्यूम करने हैं, बस ध्यान रखना है कि नंबर जो यूटिलिटी वो क्या होनी चाहिए, डिक्रीज। ठीक है, तो जैसे हमने एज्यूम कर लिया है 70, 40, 20, 10, 5, माइनस 5, कुछ भी नंबर ले सकते हैं, बस डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है हमको। अब 70 है, जब फर्स्ट यूनिट यूज की जाती है उसमें मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, 70, तो टोटल भी कितनी होगी, 70। सेकंड यूनिट कंज्यूम करने से यूटिलिटी कितनी मिल रही है, 40 के इक्वल, और टोटल का मतलब क्या हो जाएगा, 70 प्लस 40, फर्स्ट से कितनी मिली थी, 70, और सेकंड से कितनी मिल रही है, 40, दोनों से जो मिल रही है वो क्या होगी, टोटल। तो 70 में हमने 40 प्लस कर दिया, कितना आ गया, 110। अब कंज्यूमर अगर थर्ड यूनिट यूज़ करता है तो थर्ड के कंजप्शन से उसको यूटिलिटी कितनी मिल रही है, 20, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 20 और प्लस कर दो, तो 110 में हमने क्या किया, 20 प्लस कर दिया, कितना आ गया, 130 आ गया।
फिर फोर्थ यूनिट अगर कंज्यूम करता है तो उससे उसको कितनी यूटिलिटी मिल रही है, 10। तो टोटल कितनी हो गई, तो 130 में हम 10 और ऐड कर देंगे, 140। अगर फिफ्थ यूनिट यूज़ करता है, कंज्यूम करता है, तो उसकी यूटिलिटी कितनी है, 5 के इक्वल है। तो टोटल कितनी हो जाएगी, 5 और प्लस कर दिया हमने, 145 हो गया। और सिक्स्थ यूनिट से यूटिलिटी कितनी है कंज्यूमर के लिए, नेगेटिव है, -5 है। तो अब -5 कर देंगे हम 145 में से, तो कितना आ जाएगा, 140। तो इस तरीके से हम, अगर हमारे पास में मार्जिनल यूटिलिटी दे रखी होती हैं, तो उससे हम टोटल यूटिलिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास में टोटल यूटिलिटी दे रखी होती जैसे ये, तो हम इससे मार्जिनल कैलकुलेट कर सकते हैं। मार्जिनल क्या होती हैं, टोटल में चेंज। तो सबसे पहले देखिए 70 है फर्स्ट यूनिट से, इसलिए 70 आ गया। उसके बाद में देखिए सेकंड यूनिट का यूज़ करने से टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई है, 70 से 110। तो चेंज कितना हुआ, 40 का। ये 40 क्या हो गया, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी। फिर 110 से कितना हो गया, 130। चेंज कितना हुआ, 20 का। तो 20 क्या होगी, मार्जिनल यूटिलिटी। तो इस तरीके से हम सब जगह मार्जिनल यूटिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल में जो भी चेंज आएगा वही क्या होगा, मार्जिनल। अब देखिए यहाँ पर जो ये रिलेशनशिप है टोटलिटी और मार्जिनल की, तो इसको हम एक ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे तो हमेशा मार्जिनल यूटिलिटी कर्व क्या आएगा, डिक्रीजिंग, ऊपर से नीचे से डाउनवर्ड स्लोप आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे जैसे कंजप्शन इंक्रीज होता है, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है कंज्यूमर के लिए, किसी कमोडिटी की कम होती जाती है। इसलिए हमेशा एम यू कर्व क्या होगा, नेगेटिव स्लोप में बनेगा। जबकि टोटल यूटिलिटी की क्या कंडीशन होती है, इनिशियल स्टेज में अगर हम देखते हैं तो कंजप्शन इंक्रीज होने के साथ साथ में टोटल यूटिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती हैं और अपने एक मैक्सिमम लेवल पर पहुंचने के बाद में फिर कम होना स्टार्ट हो जाती हैं। इसलिए टोटल यूटिलिटी कर्व पहले इंक्रीज होता हुआ होता है, मैक्सिमम होने के बाद में फिर ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये जो हमने शेड्यूल टेबल देखे हैं और इस डायग्राम को देख के हम टोटल यूटिलिटी और मार्जिन यूटिलिटी दोनों में क्या रिलेशनशिप है उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि जब मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, पॉजिटिव, उसमें टोटल यूटिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसका मतलब फर्स्ट रिलेशनशिप क्या हो गया कि जब मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती है तो उसमें टोटल यूटिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। सेकंड, कि जब टोटल यूटिलिटी कितनी होती है, मैक्सिमम, जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है तो उसमें मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होती है, जीरो। तो सेकंड रिलेशनशिप क्या हो गई, व्हेन टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम, तो मार्जिनल कितनी होगी उसमें, जीरो होती हैं। और फिर थर्ड रिलेशनशिप की हम बात करते हैं तो जब मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, नेगेटिव, या नेगेटिव हो गई हैं तो उसमें टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही, कम हो रही है। ठीक है, इसका मतलब थर्ड रिलेशनशिप क्या हो गई, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव टोटल यूटिलिटी डिक्लाइंस। तो इसका मतलब टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में मेन ये तीन रिलेशनशिप होते हैं। और चौथा हम डायग्राम से भी, चौथा हम फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या था, टी यू इक्वल टू सिग्मा एम यू, या दूसरा हो सकता है एम यू इक्वल टू टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन। मतलब मार्जिनल यूटिलिटी को हम टोटल यूटिलिटी से कैलकुलेट कर सकते हैं और टोटल यूटिलिटी को हम मार्जिनल यूटिलिटी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए जो यूटिलिटी है उसको हम मेज़र कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में दो अप्रोचेज है। फर्स्ट हमारी है कार्डिनल और दूसरी है ऑर्डिनल। कार्डिनल अप्रोच क्या बोलते हैं, कि किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करने से कंज्यूमर को जो भी यूटिलिटी मिलती है उसे हम नंबर्स में मेज़र कर सकते हैं, और उन नंबर्स को क्या कहा जाता है, कार्डिनल नंबर्स। ठीक है, जैसे हम किसी कम्युनिटी को कंज्यूम करते हैं, माना कि एक कंज्यूमर है, ठीक है, उसको भूख लग रही है, हंग्री कंज्यूमर है, तो अब वो क्या करता है, माना कि ब्रेड का यूज़ करता है, तो ब्रेड की जो फर्स्ट यूनिट है, ठीक है, ब्रेड की जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट पीस है, उसको यूज़ करता है, और हम मान लेते हैं कि उसको यूटिलिटी कितनी मिलती है, 10 के इक्वल। और 10 जो ये मेजरमेंट है उसको हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, यूटिल्स में, 10 यूटिल्स। और 10 यूटिल्स एक तरह से क्या है, ये साइकोलॉजिकल मेजरमेंट है, ठीक है, रियल में ऐसा कोई मेजरमेंट नहीं होता है। बस जो यूटिलिटी एनालिसिस है वो किसके ऊपर डिपेंड है, कार्डिनल अप्रोच, जो क्या कहता है कि कंज्यूमर को जो भी सेटिस्फेक्शन मिलता है कंजप्शन करने से उसको नंबर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर्स में बता सकते हैं, ठीक है। और नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, कार्डिनल नंबर्स होते हैं, जो जिसमें हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। और दूसरा हमारा है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल मेजरमेंट क्या कहता है, कि किसी भी कमोडिटी का कंजप्शन करने से कंज्यूमर को जो भी सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको नंबर्स में हम मेजर नहीं कर सकते हैं, केवल
रैंक दे सकते हैं कि किसी कमोडिटी से उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, किसी से उसको कम मिला, लेकिन कितना मिला है उसको नंबर्स में मेज़र नहीं कर सकते हैं, केवल रैंक दे सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरीके से रैंक दे सकते हैं। इस अप्रोच को हम क्या कहते हैं? कार्डिनल अप्रोच। जो हमारा इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस है वो किसके ऊपर डिपेंड है? ऑर्डिनल अप्रोच के ऊपर। और कार्डिनल अप्रोच जो है, यूटिलिटी एनालिसिस, जो लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी है या लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है, दोनों किसके ऊपर डिपेंड है? कार्डिनल अप्रोच के ऊपर डिपेंड है। तो आज इस वीडियो में हम केवल टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी।